पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारी इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की प्रमुख खबरों पर और किस तरीके से आज दिन भर की जो सियासत है वो गर्माई हुई थी। हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो प्रमुख खबरें आपने दिन भर जो देखी होगी उसको विस्तार से बताएंगे। हमारे बाबा भी इसमें जुड़ेंगे जो पूरी बातें आपको बताएंगे। हमारे रिपोर्टर एंकर जिस तरीके से पूरे दिन चुनावी माहौल में सारी चीज़ों को कवर करते हुए आए हैं, सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले हमारे एंकर विकास हैं, सीधे क्या कुछ खबरें की है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पप्पू यादव की खबर से। आपको पता ही होगा कल पप्पू यादव का जिस तरीके से नॉमिनेशन पप्पू यादव ने किया था, उसके बाद लगातार अखिलेश सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि उनको नॉमिनेशन वापस लेना होगा। इस खबर पर क्या कुछ जानकारी है विकास? देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव जो हैं वो कांग्रेस में बागी होते हैं, बागी होने के बाद अब कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस में बागियों की कोई जगह नहीं है, या तो पप्पू यादव नामांकन वापस ले ले, और अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो पप्पू यादव को बहुत जल्द कल तक ये फैसला आ जाएगा और पप्पू यादव को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखला दिया जाएगा। पप्पू यादव को पता था कि अगर वो अकेला चुनाव लड़ते हैं, पूर्णिया में उतरेंगे, और अगर नामांकन करते हैं तो कांग्रेस का दामन उन्हें छोड़ना होगा। लेकिन पप्पू यादव का जो जिद है वो अभी भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का हिस्सा है। उनका दिल्ली में बात हो गया है, राहुल गांधी से बात होने का दावा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी से बात होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कांटेक्ट में ही वो नहीं है। लगातार जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कांटेक्ट में नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना होगा या तो उन्हें नामांकन वापस लेना होगा, क्योंकि गठबंधन धर्म का जो फर्ज है वो अदा करना होगा। लेकिन पप्पू यादव टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया के बेटे हैं, पूर्णिया का ही सेवा करेंगे। और अब तो पप्पू यादव ने जिस तरीके से कल एक कैंपेन चलाई कि हमें पैसा का जरूरत है, फंड का जरूरत है, एक वोट एक नोट दीजिए, यानी कि एक एक रुपए अब वो जनता से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं, आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए, और पैसा खर्च होता है चुनाव में तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा नहीं, एक एक रुपए का ही फंड देने का काम कीजिए जिससे मैं आप लोगों का सेवा कर सकूं। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली अब तक इस पर खामोश है। सबसे बड़ा खबर ये है कि दिल्ली जो है वो पप्पू यादव पर खामोश है, पप्पू यादव दिल्ली में ही जाके अपना पार्टी का विलय करते हैं। लेकिन अब वहाँ से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या पप्पू यादव नामांकन वापस नहीं लेते हैं, उसके बाद भी कांग्रेस में बने रहेंगे, या उनको कांग्रेस से बाहर निकाला जाएगा, ये दिलचस्प होगा। लेकिन किसी भी कीमत पर पप्पू यादव जो हैं वो पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले। एक तरफ बीजेपी यानी कि एनडीए भी कह रही है कि पूर्णिया की जो लड़ाई है वो निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से है, वहाँ पे महागठबंधन है ही नहीं। अब पप्पू यादव भी यही कर रहे हैं, जीत का लगातार दावा कर रहे हैं। जिस तरीके से नामांकन करने गए थे, जो भीड़ उमड़ कर उनके पास आई थी, वो भीड़ ने सब कुछ बता दिया कि पूर्णिया किसके साथ है और पूर्णिया की स्थिति क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी। अब पप्पू यादव ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर उन्हें सांसद बनना है तो जिस तरीके से कोरोना काल से लेकर और जिस तरीके से पूर्णिया में लगातार 3 साल से वो सेवा कर रहे थे, उसका फायदा उनको मिल सकता है। और यही कारण है कि पप्पू यादव और कोई दूसरा सीट पर जाना नहीं चाहते, अब महागठबंधन को कड़ी टक्कर देते हुए ही नजर आ रहे हैं पूर्णिया से ही। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर, कल जिस तरीके से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने राजद का दामन थाम लिया और 3 सीटें उनको मिली, आज क्या कुछ अपडेट था? विकास ने खबर की है, सीधे जुड़ते हैं विकास से। विकास, मुकेश सहनी ने आरजेडी का दामन थाम लिया, आज की क्या अपडेट? देखिए, मुकेश सहनी दामन थाम लिए, 3 सीट उन्हें राजद ने अपने खाते से दिया, बहुत बड़ी खबर है कि 3 सीट उनको मिल जाता है। लेकिन आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ वो जमुई पहुंचते हैं, वही जमुई जहां से चिराग पासवान सांसद हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त जमुई में चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, अनुरूप भारती जी चुनावी मैदान में है, उनके खिलाफ जब हम लोग ये खबर कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम जमुई की स्थिति का बात करें तो जमुई की स्थिति में महागठबंधन जो
है वो जोरदार हमले कर रही है, एक एक चीज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है वो गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 महीने जब हमारा सरकार था, जब हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, सबसे ज्यादा रोजगार पर वो टारगेट कर रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि हमारा सरकार लाइए हम आपको रोजगार देंगे। यहां तक कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे अच्छा काम गिनवाते हैं कि हम गरीबों का पेट भरते हैं, यानी कि जो अनाज देते हैं वो काम गिनवाते हैं सबसे पहला। उस पर भी आज तेजस्वी यादव ने खुल के कहा है कि बीजेपी जो है मोदी जो है वो आपको क्या देने का काम किया, सिर्फ 5-5 kg अनाज। हम आपको अनाज के साथ साथ जो पेंशन योजना है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आज जिस तरीके से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको राशन तो देंगे ही, लेकिन हम आपकी पेंशन भी है जो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो बढ़ा देंगे। जमुई में आपने लगातार एनडीए के पक्ष में दिया, जमुई को आपने एनडीए को दिया, उन्होंने जमुई के लिए क्या किया, चिराग पासवान का नाम लेते हैं, लगातार चिराग पासवान का नाम ले रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि चिराग पासवान ही वहां का जो गेम है वो पलट सकते हैं, तो लगातार चिराग पासवान का नाम लेकर बड़ा दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार दी। और जिस तरीके से चचा का भी नाम लेते हैं, चचा का हम सम्मान करते हैं, चचा के लिए हमारा इज्जत उतना ही है अभी भी है, लेकिन चचा हमारे हाईजेक हो गए हैं और हाईजेक होके वो एनडीए में चले गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी क्या कुछ कहती है, चिराग पासवान इस पर क्या कुछ बयान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जमुई गए हुए थे, जमुई में जाकर भारी भीड़ को संबोधित करते हैं, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बताया जा रहा है कि 50 से 60 हजार जो वहां पे लोग पहुंचे हुए थे उन्हें संबोधित करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का जो आज सभा था उसमें भी भीड़ देखने को मिला। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वहां पर होगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने वहां के युवाओं को कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, जमुई को बेहतर बना के देंगे, आपने 10 साल चिराग को दिया, 5 साल हमें दीजिए, उन्होंने क्लियर कहा कि 5 साल हमें दीजिए और वोट मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता क्या कुछ करती है ये अहम खबर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जो वहाँ पे, अभी मुकेश सहनी का भाषण नहीं आया है, तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा फोकस किया पेंशन योजना, राशन योजना और उसके बाद में नौकरी, बिहार का सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी के लिए वो सीधा कहें कि हमारी सरकार एक बार फिर से लाइए, जो 17 महीना चल रहा है उसको लेकर उन्होंने वहाँ पे भी खूब बोला है और सीधा कहा है कि हमारी सरकार लाइए हम आपको नौकरी देने का काम करेंगे। आपको तो सिर्फ भोजन मिल रहा है ना, लेकिन हम आपका पेंशन बढ़ाएंगे और नौकरी देने का भी काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या लोग तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे हैं, क्या भरोसा करके उन्हें वोट देने का काम करेंगे या नहीं। तो देखिए, दूसरी प्रमुख खबर आज की थी कि मुकेश सहनी और तेजस्वी भाषण दे रहे हैं, रैली है उनकी, और जो तस्वीरें वहाँ से सामने आई है, तेजस्वी यादव ने सीधे कह दिया है कि हम इस बार जो ज़मीनी मुद्दे हैं उसको लेके जनता के बीच आए हैं और इस बार हम चाहते हैं जनता हमें आशीर्वाद दे। मुकेश सहनी अभी बाकी है बोला, लेकिन आज सुबह उन्होंने जाने से पहले ये बयान दिया था कि 5 kg राशन में क्या घर चल जाएगा, और ये सारी गतिविधियाँ मुकेश सहनी की तरफ से हुई थी। अब बढ़ते हैं, हमारे रिपोर्टर है वेद, आपने कई खबरों में इनको देखा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस पर लालू परिवार पर निशाना साधते हुए नजर आए थे सम्राट चौधरी। क्या लग रहा है वेद, क्या कुछ खबरें थी, किस तरीके से सम्राट चौधरी ने निशाना साध दिया लालू परिवार पे? देखिए, बात ऐसा है कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में आज बीजेपी कार्यालय में आज सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो कि मतलब डिप्टी सीएम है दोनों, वो यहाँ पे मौजूद थे। और कहीं ना कहीं वो सम्राट चौधरी जो है वो मतलब बीजेपी की उपलब्धियां गिनाए वहां पे, और कहीं ना कहीं उन्होंने अटल जी का भी नाम लिया और कहा कि जिस समय बीजेपी जो है कुछ नहीं था उस समय अटल जी और आडवाणी जी के बारे में भी उन्होंने बताया कि उस समय उनकी मेहनत से उन्होंने किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाया। और कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो बीजेपी को पहले लोग बहुत कम में आका करते थे, लेकिन अभी उनका कहना था सम्राट चौधरी का कि जिस हिसाब से अभी बीजेपी मतलब आगे बढ़ रही है तो आने वाले समय में बहुत अच्छा मतलब एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा पार्टी सामने नजर आएगा। और कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उन्होंने लालू यादव और आरजेडी के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं गुंडों की पार्टी है, इसके बारे में और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है जी। तो
तो दूसरी जो खबर आज की वेद ने की थी वो सबसे महत्वपूर्ण खबर है। दिन भर लगातार कल से ही मुकेश सहनी की चर्चा हो रही है। मुकेश सहनी के महागठबंधन और आरजेडी में शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, एनडीए में खलबली मच गई है। बल्कि दो नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सहनी समाज से आते हैं, हरी सहनी। और अगर हम बात करें तो हरी सहनी ने आज मुकेश सहनी पे तंज कस दिया है, निशाना साध दिया है। और जिस तरीके से मुकेश सहनी की अगर हम बात करें तो उनकी सहनी समाज में पॉपुलैरिटी बहुत है, तो इससे क्या वोटों पे अंतर पड़ेगा? देखिए, अंतर पड़ेगा ये तो निर्णय बताएगा, लेकिन जहां तक लगता है अगर मुकेश सहनी अगर एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया में चले गए तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। जिसकी वजह से आज की अगर बात की जाए तो हरी सहनी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें इस तरह की जो बातें वहां पे रखी गई कि मतलब जो मतलब सहनी समाज जो है कहीं ना कहीं मतलब मछुआरों की जो समाज है उसके लिए एनडीए ने क्या क्या किया है और क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने जुराया, और उनसे जब सवाल पूछी गई कि जब आपसे हिसाब मतलब उनसे हिसाब जब मांगी गई कि जो फंडिंग आती है तो वो कहां जाती है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, जो भी होगा वो तो जनता बताएगी कि मतलब सहनी समाज क्या करती है एनडीए, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा इस पे। देखिए, हरी सहनी ने सीधे निशाना साध दिया मुकेश सहनी पे, और कहना है कि एनडीए ने क्या कुछ किया ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। साथ में बिहार की राजनीति आज गरमाई हुई थी, मुकेश सहनी हॉट टॉपिक बने हुए थे। अब हम सीधे जुड़ते हैं बाबा से, आज की पूरी खबरों पे इनकी नजर थी और सीधे जुड़ेंगे, क्या कुछ विस्तार है ये जानेंगे। सर, पूरी खबरों पे तो आपकी नजर थी, सबसे दिलचस्प खबर कौन सी थी? देखिए, पिछले 24 घंटे से जो बिहार में चल रहा है, मुकेश सहनी एक बार फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। 24 घंटे पहले उन्होंने ज्वाइन किया महागठबंधन को, जो अब इंडिया गठबंधन हो गया है। हालांकि अभी भी ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि वो इंडिया गठबंधन में हैं या वो एलाइज पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल के हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हिस्से का सीट उनको दिया है। इसके साथ साथ मुकेश सहनी के आने से बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ा है? बीच चुनाव में आए हैं, दो चरण का नामांकन समाप्त हो गया है, उसके बाद उनकी एंट्री हुई है और ऐसी धमाकेदार एंट्री वो करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरह का किया था, जब सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला चल रहा था महागठबंधन का, तब उन्होंने बीच मीटिंग से उठ करके, बीच प्रेस वार्ता से उठ करके इंडिया की तरफ स्विच कर लिया था, वहाँ भी इसी तरह की बातें सामने आई थी। तो मुकेश सहनी और उनके वोट ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर मुकेश सहनी के आने से क्या असर पड़ेगा, क्या इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा, या फिर ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी प्लान है जो लालू प्रसाद ने रचा है एनडीए को परेशान करने के लिए। दोनों ही परिस्थितियां आप इस तरह से समझ सकती हैं कि जैसे ही आज मौका मिला मुकेश सहनी को, इससे पहले मुकेश सहनी चुपचाप थे, मैंने खबर आपके साथ किया भी था, चुपचाप थे, अचानक से वो जमुई जाते हैं और जमुई में जाकर के सबसे पहले किसको घेरना शुरू करते हैं? चिराग पासवान के जीजा को। यानी परिवारवाद पर परिवारवाद की बात, जबकि चिराग पासवान के जीजा ने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि चिराग पासवान और मेरा रिश्ता ऐसा कुछ नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी की कमेटी ने निर्णय किया है वो मुझे मिला है। खैर, इन सारी बातों में तो डिबेट हो सकता है बहुत सारा, लेकिन एक बात तो अपमान के चलिए, आपको याद होगा कि आपने एक खबर किया है जिसमें आपने मदन सहनी से भी बातचीत किया था, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा वो साफ बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से एक स्ट्रेटजिकल मिस्टेक जरूर हुई है। खैर, इसके आगे की बात अगर करें तो सहनी समाज का एक वोट बैंक है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और ये वोट ट्रांसफ़र होता है, ये एक्ट करता है वोट। ऐसे वोट जो एक्ट करते हैं, जैसे आप मुसलमानों के वोट की बात करें तो एक्ट करता है, यादवों के वोट की बात करें तो एक्ट करता है, सवर्णों की बात करें तो वह एक्ट नहीं करता है, गए नहीं गए वोट देने, इस तरह की लोगों में मानसिकता रहती है। तो खैर, ये एग्रेसिव वोट किसके तरफ जाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारी टीम दो जगह है, मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों से भी बातचीत करें, रत्नेश कटिहार और पूर्णिया देख रहे हैं, संपादक नमन मिश्रा जी भी कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, जो मिले जुले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में है। इसके बाद उनका अगला दौरा कहाँ होगा, तो उनके पास भी बहुत सारे इनपुट हैं। अगर बात करें तो जो दूसरे राउंड के चर्चा वाले सीट हैं, चार सीटों का, तो आपको पता ही है कि फर्स्ट राउंड में जो होने वाले हैं गया में जीतन राम मांझी, उनकी तैयारी चल रही है, उनके पिता पुत्र दोनों जो हैं लगे हुए हैं, खास करके संतोष मांझी लगातार
एक्ट कर रहे हैं, उनकी समधन है वो भी कर रही हैं। नवादा की बात करें तो नवादा में एक बड़ा अच्छा चीज़ देखने को मिला। नवादा में कई उम्मीदवार थे लेकिन चिराग पासवान की टीम नवादा में जिस तरह की मेहनत कर रही है और जिस तरह से चितरंजन कुमार को वहाँ चिराग पासवान ने मोर्चा संभालने के लिए कहा है, एक बड़े नेता हैं, भूमियारों का यूथ के आइकॉन हैं। अगर जहानाबाद के गली गली में आप पूछ लें तो चितरंजन कुमार का नाम आपको मिलेगा। वो चितरंजन कुमार वहाँ जम करके फील्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें विवेक ठाकुर के लिए पूरा, हालांकि माहौल आप जानती हैं कि वो भूमिहारों के लिए कहा जाता है चरागाह है, वहाँ कोई भी भूमिहार जाता है तो वहाँ जीत के ही आता है। खैर, चितरंजन कुमार वहाँ पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। बात अगर करें आप जमुई की, तो जमुई में खुद चिराग पासवान ने डेरा डाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके अलावे औरंगाबाद की बात करें तो वहाँ भी तैयारियाँ चल रही हैं। औरंगाबाद में तो आपको पता है कि उससे पहले ही अनाउंस होने से पहले वहाँ खुद सासाराम में पहुँचे हुए थे प्रधानमंत्री। लगातार चर्चाएँ चल रही हैं और अलग अलग जगह से अपनी तैयारियाँ शुरू हो रही है। इन तैयारियों में जो पूरे दिन का नज़ारा रहा आज का, उसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण रही। पहला ये कि आपने मदन सहनी का इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हम चाहेंगे कि आप लोग जा करके देख सकते हैं कि सहनी समाज आखिर क्या सोचता है मुकेश सहनी के बारे में। दूसरा, इस मुद्दे पर हरीश सहनी का दो दो तीन तीन बयान आया, कई चैनल्स पर तो वो उलझते हुए नजर आए, कई चैनल्स ने उनको एक्सपोज करने का कोशिश किया, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो कैलकुलेटेड बात है वो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन ने इस समाज को कुछ दिया जरूर है। अब रहा सवाल कि एक सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि भाई जिस खेमे में आप गए हैं क्या वहाँ जा करके आप अपने समाज को आरक्षण दिलवा पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी, उस आरक्षण का पेच भी फंस गया है। पेच ये फंस गया है कि वो कह रहे हैं जिस जगह आने के लिए एससी एसटी में शामिल करने के लिए वहाँ पहले ही से बुकिंग फुल है, उसको लेकर के अब लोगों में आक्रोश भी होने लगा है कि आप कैसे कर सकते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके एक जगह जाती हैं और ये बात स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पूरे दिन जो घटनाक्रम चला उसमें सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंड किसी ने किया तो वो मुकेश सहनी ट्रेंड कर रहे हैं, सहनी समाज ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा पप्पू यादव जिन्होंने स्पष्ट कहा कि इससे पहले भी जो हुआ है मेरे साथ क्या हुआ सबने देखा, मुकेश सहनी गए हैं और पहले उनको जाना चाहिए था, चलिए जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। अब यहाँ कई जो उनको तीन सीटें मिली है उन सीटों को लेकर के भी चर्चाएँ शुरू है कि आखिर करेंगे क्या। हमने भी एक विश्लेषण किया है, हम चाहेंगे भीतर की बात आप जा करके देख लीजिए, वहाँ भी हमने कवर किया है। इसके अलावे हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार बात कर लीजिए, अगर सामने से नहीं हो पाए तो टेलीफोनिक बात में भी आप लोग हमारी टीम, दूसरी टीम जो दो टीमें काम कर रही हैं बाहर। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा जुड़े हैं जो लगातार चुनावी माहौल को देख रहे हैं, क्या कुछ पूर्णिया की जनता लग रहा है, पूर्णिया की जनता का मिजाज सीधा जुड़ेंगे। सर, कैसा दिख रहा है पूर्णिया चुनावी माहौल, क्या कुछ है? देखिए, प्रथम दृष्टा तो पूर्णिया का चुनाव अगर आप देखिएगा एक आम आदमी की निगाह से तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला में एक तगड़ा अंडरकरेंट चल रहा है। देखिए, जो वर्तमान प्रत्याशी हैं यहाँ से जो सांसद हैं सिटिंग संतोष कुशवाहा, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो वाजिब भी है, 10 साल से दो टर्म से वो यहाँ पे सांसद हैं तो वो लाजमी है उनके खिलाफ। लेकिन बिहार के बाकी इलाकों के से इधर अगर आप पूर्णिया तरफ आते हैं तो इस तरीके की जो जातीय समीकरण है या धार्मिक गोलबंदी है वो अलग तरीके से होती है। पूर्णिया, कटिहार और जो आस पास के रिया इलाके हैं इनमें रिवर्स पोलराइजेशन एनडीए के पक्ष में चला जाता है, लेकिन इस सीट पर महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से महागठबंधन के प्रत्याशी को जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अपने आप में बहुत क्वेश्चनेबल टॉपिक है। बीमा भारती ने नामांकन तो कर दिया है, उन्हें लालू यादव का भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, लेकिन सीट पर एक जमाने से तैयारी कर रहे हैं पप्पू यादव, उन्हें कांग्रेस का आशीर्वाद मिल गया था, लालू यादव से उन्होंने आशीर्वाद ले लिया था, अब इस बात को वो लगातार दोहरा रहे हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि उनके साथ लालू यादव ने या कांग्रेस ने छल कर दिया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस और राजद के यहाँ समर्थक हैं उनके बीच में अजीब धर्म संकट की स्थिति हो गई है, कोई पप्पू को समर्थन कर रहा है, कोई बीमा भारती को समर्थन कर रहा है लालू यादव के कहने पर, तेजस्वी यादव कहने पर, तो ये धर्म संकट यहाँ वर्तमान में चल रहा है। लेकिन इतना जरूर मैं सेफली कह सकता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि बीमा भारती रेस में काफी पिछड़ गई है, मुख्य लड़ाई जो है वो
संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच अब हो रहा है। तो चलिए देखिए, जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी बढ़ते जा रही है और हम बात करेंगे क्योंकि नमन मिश्रा जो हमारे संपादक है वो लगातार ही सारी चुनावी प्रचार प्रसार को भी कवर कर रहे हैं। सर, कटिहार का क्या दृश्य देखने को मिल रहा है? देखो, कटिहार में जो सांसद है वहाँ के, मेरी उनसे परिचय अच्छी खासी है। जब चुनाव नहीं हुआ था तब भी यही बात हो रही थी बार बार, वो मुझसे बोल भी रहे थे कि अगर तारिक अनवर हमारे खिलाफ आ जाएंगे तो हमारे लिए सबसे जो अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो वोट बैंक है कटिहार में वो 40% के आसपास मुसलमानों का है। इसके अलावा एक अच्छी जनसंख्या वहां पे यादवों की है, लेकिन अगर पोलराइजेशन मुस्लिम वोट का होता है तो रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है, जो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जाता है। एनडीए और यानी जदयू के प्रत्याशी यहाँ पर दुलाचंद गोस्वामी है, पिछली बार जीते थे, इस बार भी उनके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर एनडीए का सारा वोट इकट्ठा होकर उनके पास चला आता है तो उन्हें रोकना संभव नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ तारिक अनवर है जो कि काफी सीजन पॉलिटिशियन है, लेकिन चूंकि कांग्रेस और एनसीपी के बीच वो लगातार झूलते रहे हैं, इस वजह से कांग्रेसियों के दिल में उतनी जगह उनकी होगी या नहीं, ये भी क्वेश्चनेबल है। एक और बड़ा बात है, कहीं ना कहीं इस सीट पर अशफाक करीम जो कि आरजेडी के हैं वो अपना दावा रखे हुए थे, उन्हें उम्मीद थी कि ये सीट उन्हें मिल जाएगी। अंतिम समय में कांग्रेस में ये सीट के खाते में सीट गई, जिसके बाद अशफाक करीम ने दावा कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, बहुत मान मनोबल के बाद उन्हें रोका गया, तो वो दिल से तो मैंने ऊपर ऊपर तो उन्होंने अपना उम्मीदवारी वापस ले लिया है, एनआरवी उन्होंने कटवा लिया था, उम्मीदवारी तो वापस ले लिया है, लेकिन क्या वो चाहेंगे कि यहाँ से तारिक अनवर पर जीत जाए फिर और फिर उनके लिए संभावनाएं समाप्त हो जाए? देखिए, हाइपर लोकल लेवल पर ये छोटे छोटे समीकरण महागठबंधन के लिए बड़े कठिन होते जा रहे हैं। एनडीए के जिन प्रत्याशियों की टिकट काटी गई है, चाहे कविता सिंह हो सिवान की या किसी भी जगह के, वो लगभग आपको देखेंगे या तो वो उस नए प्रत्याशी के साथ समर्थन करते हुए वोट मांगते दिख रहे हैं या दूसरी किसी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ समीकरण क्या है कि महागठबंधन में जो नाराज है, जिनको टिकट नहीं मिल पाया, वो एक दूसरे के काट भाज में लगे हुए हैं। तो लगभग पूर्णिया की तरह ही मैं कहूंगा कि वहां भी स्थिति कमोबेश मुझे स्पष्ट दिख रही है। दुलालचंद गोस्वामी तारिक अनवर से काफी आगे है, लेकिन जो महागठबंधन का वोट बैंक है उसे अगर कागज पर आप एक तरफ कीजिएगा तो दुलालचंद गोस्वामी पर काफी भारी तारिक अनवर दिखेंगे आपको। तो देखिए, तमाम जानकारी हम आपको दे रहे थे कि इस तरीके से पूर्णिया और कटिहार की भी स्थिति है, चुनावी माहौल क्या कुछ है और आज पूरे दिन में क्या कुछ हुआ है बिहार की राजनीति में, ये सारी चीज़ें आप अब देख सकते हैं भारत लाइव के न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।